नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं रामरूप शर्मा। आज आपको क्लास 10th साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नाम है फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। मैं पहली वीडियो में आपको कंडक्टर के बारे में बता चुका हूँ, रेसिस्टिविटी के बारे में बता चुका हूँ और ओम्स लॉ के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसका जो रेसिस्टेंस है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर निर्भर करता है। तो रेसिस्टेंस की डेफिनेशन आपको पता ही है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो करंट या चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करता है। फैक्टर्स इसके तीन हैं मेनली। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर किसी भी कंडक्टर की, किसी भी वायर की जिसमें चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसकी लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस कम होगा, लेंथ ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ। इन द सेम वे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है कि अगर वायर मान लो सिलिंड्रिकल है तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्कुलर होगा, उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब सपोज करिए सिलिंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर होगा एरिया, और अगर क्यूबिकल है तो उसका होगा एरिया क्यूब का जो एरिया होता है। क्यूब में जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर टाइप में है या रेक्टेंगल टाइप में है, तो स्क्वायर का एरिया या रेक्टेंगल के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटेरियल, मेटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा अगर सपोज करिए एक वायर है वो हमने कॉपर का लिया है तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस कम होगा, अगर हमने वो सपोज करिए आयरन का ले लिया है तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर मैं हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करना चाहे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू वन अपॉन ए, या अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये जो रो है इसको सिंपल फॉर्म में हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वैसे जो है इसका स्पेशल मीनिंग होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। बच्चों आपको बहुत ध्यान रखना होगा, ये इसे रेसिस्टिविटी भी कहते हैं कि रेसिस्टिविटी कभी भी किसी भी मेटेरियल की चेंज नहीं होती, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे चेंज करने लगते हैं या बदलने लगते हैं। मीन्स रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर के ऊपर। इसका जो यूनिट है, यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालू रो का तो ये होगा आपका आर ए अपॉन एल। आर मतलब ओम और ए मीन्स मीटर स्क्वायर, एल मीन्स मीटर, मीन्स इसका जो यूनिट है वो क्या होगा ओम मीटर। ओम मीटर की डेफिनेशन भी आ जाती है, आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा, ओम की डेफिनेशन, वोल्ट की डेफिनेशन, एम्पियर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। अगर हम 1 मीटर लेंथ का एक वायर ले, कंडक्टर ले, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो जो रेसिस्टिविटी है वो रेसिस्टेंस के इक्वलेंट हो जाती है। अगर मैं इसे डेफिनेशन में बोलना चाहूं तो द रेसिस्टिविटी ऑफ आ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम मीटर व्हेन 1 मीटर ऑफ रेसिस्टेंस और टेकन whose cross section area is 1 meter square। इसी के अकॉर्डिंग, रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग ही हम अपने जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। मेटल या एलॉय, इनकी जो रेसिस्टिविटी है वो 10^-8 से 10^-6 ओम मीटर के रेंज में होती है, मतलब बहुत लो रेसिस्टिविटी होती है। इसलिए हम जब भी वायर का यूज करते हैं ज्यादातर एलॉय का या मेटल का यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल जैसी होती है और कुछ नॉन मेटल जैसी होती है, उनका रेंज होता है 10^-5 से 10^-2 ओम मीटर तक। इंसुलेटर की जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है, 10^-17 ओम मीटर तक, इसलिए हम इनका इस्तेमाल एज ए कंडक्टर नहीं करते। और जो सुपर कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर आप जानते होंगे, लेकिन हम अगर रेसिस्टेंस से उनको डिफाइन करना चाहें तो जिनकी रेसिस्टिविटी 0 होती है क्रिटिकल टेम्परेचर पर, उन्हें हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो ये था आज फैक्टर्स के बारे में जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे कुछ टॉपिक डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।